हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर से ये क्वेश्चन जो हमें हमारे पास है। देखिए, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। तो यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलरेट हो रही है जो ट्रेन जो है, और उसने 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अटेन करी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो उसका एक्सेलरेशन क्या था? तो देखिए, क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन स्टार्ट हुई होगी तो तब वो रेस्ट में होगी, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगी 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड जो है, क्योंकि इसमें मीटर में रहता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से वही 40 × 1000 / 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको पूरा सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई। अब टाइम की बात करते हैं। देखिए, टाइम जो है हमें दे रखा है 10 मिनट, लेकिन क्योंकि टाइम जो है इसमें सेकंड में होना चाहिए, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 600 सेकेंड। तो टाइम भी आ गया। अब फॉर्मूले की बात आती है, तो देखिए फॉर्मूला लगेगा इसमें, v − u = at। ये मैंने आपको इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि यही फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि हमें u पता है, v भी पता है और टी भी पता है, तो एक अननोन टर्म जो है वो सिर्फ एक रह जाती है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बाकी जो दो फॉर्मूले और हैं, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as, तो उसमें s है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें दे नहीं रखा है, तो जब s जो वहाँ पे s भी अननोन रह जाएगा और या एक्सेलरेशन भी उसमें अननोन रह जाएगा। तो सिर्फ यही एक फॉर्मूला जिसमें कि 4 अननोन टर्म में से सिर्फ एक अननोन टर्म है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हमारा आंसर आ भी रहा है। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा v − u / t। तो v कितना है इसमें, 11.11, माइनस u तो हमारा 0 है और टाइम है हमारे पास 600 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आएगा 0.0185 m/s². तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे, तो देखिए डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, तो ये दो डेसिमल इस साइड खिसक जाएगा राइट साइड में, तो आएगा 1.85 × 10⁻²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 ⁻·और अभी भी आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। या इस तरह के कोई और क्वेश्चन हो तो उस पर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे तो मैं वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।